दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को आप ईएमआई पे कैसे ले सकते हैं। मतलब दोस्तों, आप किसी भी वस्तु को हफ्तों के हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से ले सकते हैं, ये आप इस वीडियो में जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यहाँ पे आपको जो ब्याज है वो बिल्कुल नहीं देना, आप 0% पे ले सकते हैं। मतलब दोस्तों, नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब दोस्तों आपको बिल्कुल ब्याज नहीं देना। आप केवल आप जितना जो पेमेंट है उसके अनुसार पेमेंट देके आप ईएमआई ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आप सबसे पहले जिस भी वेबसाइट से या जिस भी ऐप से शॉपिंग करना चाहते हैं उस ऐप को यहाँ पे इस प्रकार से ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको उसके अंदर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको इस प्रकार से ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद दोस्तों, अब यदि आप यहाँ से जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, फिर आपको जो भी मनपसंद आइटम है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस प्रकार से जो आइटम है वो हमें दिखाई देती है। यदि हम इसको खरीदना चाहते तो हमें इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों, यदि आप इसको बाय करना चाहते तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है बाय नाउ, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको उसको स्किप कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो आइटम है वो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो रेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यदि दोस्तों आप इसको हफ्तों के हिसाब से खरीदना चाहते हैं या फिर ईएमआई पे खरीदना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इससे पहले दोस्तों आपको उसकी जो प्राइस है वो देखनी है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है वो आ जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आप इस आइटम को ईएमआई पे लेना चाहते हो तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है ईएमआई, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और दोस्तों, अब यहाँ पे जो भी आपके पास कार्ड है या जो भी आप जिसके भी द्वारा आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो बजाज का कार्ड है या चाहे एक्सिस बैंक का कार्ड है, आपको यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं फिलहाल अपना जो एक्सिस का जो कार्ड है उसके द्वारा खरीदना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कितने हफ्ते बनने वो यहाँ पे हमें शो हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी यहाँ पे आपको मिलता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप 3 मंथ के हिसाब से लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 13,267 रुपये बनने 3 महीने के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों, आप जिस भी मंथ के अनुसार जितना भी यहाँ पे ईएमआई अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और दोस्तों, यदि आप यहाँ पे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे लेना चाहते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी में 14% है तो किसी में 15% है। इस प्रकार से दोस्तों, मंथ वाइज यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट लिया जाता है। और यदि दोस्तों आप इंटरेस्ट नहीं देना चाहते तो यहाँ पे ऊपर आपको जो ईएमआई के ऑप्शन दिए हुए हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्याज है वो आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको इसके अंदर से कोई भी पसंद आ जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका जो कार्ड है उसकी डिटेल है वो यहाँ पे आपको ऐड करनी है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ओटीपी आता है उसको कंफर्म करना है। और उसके बाद दोस्तों, आपके जो अकाउंट है उसके अंदर से पैसे कटने वाले नहीं है, जो आपकी बैंक है वो उनको पेमेंट दे देता है। और उसके बाद दोस्तों, मंथ वाइज आपने जो भी ईएमआई ली है उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पे आपके बैंक से मंथ वाइज पैसे कटते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे ले सकते हैं या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप हफ्तों में उसको ले सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना। और यदि आप इस प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।